गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 10.3। सो क्वेश्चन फर्स्ट, वी हैव टू डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल्स बनाने हैं और उसमें कौन सा पेयर है वो कॉमन है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स और कॉमन पॉइंट्स के मैक्सिमम नंबर क्या है। तो हमने दो सर्कल्स बनाए, ठीक है। द अबव सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते एट एनी पॉइंट, देयरफॉर दे डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, तो इनके पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। देन दी अबव सर्कल्स टच ईच अदर, क्या ये अबव सर्कल्स मैंने दूर बनाए, आपको ये पास में बनाने इस तरीके से कि इनका जो सर्कल है वो इनको टच करे। सो देयरफॉर देयर इज वन पॉइंट इन कॉमन, तो इनके पास एक पॉइंट है जो कॉमन होगा। यू है आपको इनको पास में बनाना है ताकि दोनों जो सर्कल्स है वो टच हो ऐसा। सो दी सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू पॉइंट्स, और ये जो सर्कल्स है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये दो पॉइंट्स पे दो पॉइंट्स पे क्या करते हैं, और अगर ये आपको बनाना है इस तरीके से कि ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं जी एंड एच पे, देयरफॉर दी सर्कल्स हैव टू पॉइंट इन कॉमन, तो ये दो पॉइंट्स हैं इनमें कॉमन में। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ टू पॉइंट्स इन कॉमन, इसमें दो पॉइंट्स कॉमन होंगे मैक्सिमम। कंसिडर द सिचुएशन इन विच टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर सुपर इम्पोज्ड, इस तरीके से हमें एक सिचुएशन लानी है इसमें दो सर्कल्स है वो सुपर इम्पोज हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर एक हो, ठीक है। दिस सिचुएशन कैन बी रिफ्यूज्ड टू एज इफ़ यू आर ड्रॉइंग दी सर्कल टू टाइम्स, ये सिचुएशन रिफ्यूज हो सकती है अगर हम लोग सर्कल्स को दो टाइम ड्रॉ कर रहे हैं। और हाँ, इसमें आपको जो दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं वो इस तरीके से करने हैं, जिससे आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, दूसरे जो सर्कल है उसका हाफ से भी कम पार्ट जो है वो दूसरे सर्कल के अंदर आना चाहिए इस तरीके से। लाइक यू हैव ड्रॉ वन सर्कल, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, सो जो सेकंड सर्कल है उसका जो 1/4 पार्ट है वो दूसरे सर्कल के अंदर आना चाहिए, इस तरीके से आपको इसमें दो सर्कल ड्रॉ करने हैं। ओके देन, क्वेश्चन सेकंड, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिवन अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स, हमें एक सर्कल दिया है, हमें कंस्ट्रक्शन फाइंड आउट करना है उसका। सो द गिवन स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं, टेक द गिवन सर्कल, हमने एक गिवन सर्कल लिया, टेक एनी टू डिफरेंट कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, हमने दो डिफरेंट कॉर्ड्स लिए ए बी एंड सी डी, ठीक है, ऑफ दिस सर्कल एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ दिस कॉर्ड्स, और इन कॉर्ड्स के हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए। देन लेट दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट एट पॉइंट ओ, और हमें क्या करना है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है इन्हें पॉइंट ओ पे मीट करवाना है। हैंस जीरो इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल, तो इसीलिए क्या है कि जीरो जो है या फिर ओ जो है वो क्या है, सेंटर है इस सर्कल का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, वी हैव हियर, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स देन प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉमन कॉर्ड, इससे बोला गया कि अगर दो सर्कल है वो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें ये प्रूफ टू पॉइंट्स पे, तो हमें प्रूफ करना है कि जो सेंटर है वो लाई करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कॉमन कॉर्ड के। कंसिडर, हमने दो सर्कल है वो कंसिडर किए जिसका जो सेंटर है वो हमने ओ लिया है एंड ओ डैश लिया है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ए एंड बी पे। देन जॉइन ए बी, हमने ए बी को ज्वाइन कर दिया, ए बी इज द कॉर्ड, ए बी क्या है, कॉर्ड हो गया इस सर्कल का जिसका सेंटर ओ है, देयरफॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ए बी का, ठीक है, विल पेयर थ्रू ओ, वो पास होगा ओ के थ्रू। देन अगेन ए बी इज ऑल्सो द कॉर्ड ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट ओ डैश, ए बी है वो ओ डैश जो है उसका भी कॉर्ड है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो उससे भी पास होगा। क्लियरली द सेंटर्स ऑफ दिस सर्कल्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, तो सेंटर जो है इस सर्कल का वो लाई करता है कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पर। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड 10 पॉइंट, दिस वन एक्सरसाइज इज हियर ओनली, नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज, टिल देन थैंक यू।